रहेगा फीडबैक पेपर का अच्छा रहा एग्ज़ाम। हाँ अच्छा रहा। क्या क्वेश्चंस कैसे हैं? एकदम इजी लेवल का। एकदम इजी। बैंकिंग का जो पैटर्न होता है उसको मैच कर रहा है कि नहीं? हाँ उसको मैच उसी पैटर्न पे। उस पैटर्न वही, लेकिन सवाल आसान है। तो कितने सवाल हो पाए आउट ऑफ 100? मेरा मैथ बढ़िया नहीं गया, 28 ही उसमें कर पाया। अच्छा मैथ्स टोटल कितना है? 93 आउट ऑफ 100। 93 और कैसा लगा आपको रीजनिंग वाला सेक्शन? क्योंकि रीजनिंग बहुत ही बहुत क्रिटिक इजी था, मैं 2.5 मिनट पहले ही करके बैठ गया था। रीजनिंग में। हाँ और इंग्लिश सेक्शन? इंग्लिश भी इजी था, बहुत इजी। अच्छा मैथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? मतलब हर एक क्वेश्चन याद नहीं है, बट लाइक सिंप्लीफिकेशन से कितने सवाल होंगे यार? उसके अराउंड 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन होंगे। हाँ डीआई से कितने सवाल थे? DI 2 थे, पाँच दो। पाँच। अर्थमेटिक? अर्थमेटिक 10। 10। अच्छा DI जो दो आप बता रहे हो किस पे बेस था? टेबल फॉर्म में थे। टेबल उससे और क्वेश्चन एक ग्राफ था। एक ग्राफ था। और क्वेश्चन किससे एसोसिएटेड था? क्वेश्चन अच्छा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में थे ना? हाँ वो किस टॉपिक से थे? एक स्टोरी था। स्टोरी? हाँ क्या था वो टॉपिक? उसमें एक लड़की रहती है, उसका एक पेट रहता है। अच्छा और वो विलेज में रहता है। अच्छा। और एक एक उड़ने वाला कोई रहता है विलेज में, उसको सेव करता है, तो वो मतलब उसको साथ में उड़ाता है, वही करके। तो कोई फिक्शनल स्टोरी? हाँ 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 93 अटेम्प्ट करा आपने, हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? एक्यूरेसी मेरा सही होना चाहिए। कैविस किस में हो रिजल्ट आपका? ऑल द बेस्ट। कैसा रहा? बढ़िया। कैसे क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? रीजनिंग के तो सारे इजी थे और इंग्लिश के मैंने अटेम्प्ट 26 ही किए क्योंकि टाइम निकल गया था। और मैथ्स का भी उतना भाष नहीं था, ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन था। अच्छा बैंकिंग का जो पैटर्न है उस पर मैच कर रहा है कि नहीं? हाँ श्योरली। हाँ पेपर का लेवल? लेवल सही है, मॉडरेट है। मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। जो बैंकिंग का जो नॉर्मल एग्जाम होता था लाइक SBI के फिर IBPS का, उसके लेवल से कंपेटिटिव? SBI से भी इसमें स्लो था, मतलब इजी। हाँ इजी बोले तो इजी टू मॉडरेट है, SBI से भी कम। ओके। एंड क्या डिस्ट्रीब्यूशन था इंग्लिश सेक्शन का? इंग्लिश का था कि उसमें ये था दिया हुआ, सॉरी RC था, 10 मार्क्स का, 9 मार्क्स का था। उसके बाद हट जाइए सर। उसके बाद फिर उसमें ये था, सॉरी सिलॉक्स नहीं बोल रही हूँ मैं, बेस करने के लिए याद नहीं आ रहा, माइंड से निकल रहा है क्योंकि। सबसे इजी सेक्शन क्या रहा तीनों में? एज ऑलवेज रीजनिंग, रीजनिंग देन इंग्लिश एंड मैथ्स। रीजनिंग तो थोड़ा मैथ कॉम्प्लिकेटेड बताया जाता है बैंकिंग सेक्शन में। हाँ वो रीजनिंग नहीं, मैथ्स को बताया जाता है जी। मैथ्स कैसा रहा? मैथ्स भी ओवरऑल ठीक ही था, बट उतना अच्छा नहीं रहा मेरा क्योंकि उसमें सिंप्लीफिकेशन थे, जितने सिंप्लीफिकेशन थे वो मैंने किए और अर्थमेटिक मेरा छूट गया टाइम की वजह से। बाकी DI किया कि नहीं आपने? DI एक था, मैंने कर लिया। एक छूट गया, एक कर लिया? नहीं नहीं एक मैंने किया, 3 छोड़ दिया क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो सिंप्लीफिकेशन मेरा छूट जाता है। सिंप्लीफिकेशन कैसा था? मतलब तुरंत फिंगर टिप पे हो जा रहा था। हाँ इजी वाला था, उसमें अगर स्क्वायर्स और क्यूब्स याद रखे तो ज़्यादा क्यूब था उसमें दिया हुआ, स्क्वायर्स का था, तो सिंप्लीफिकेशन ईजी था। टोटल अटेम्प्ट क्या रहा आपका? मेरा 63। हाँ आई होप कि सारा एक्यूरेसी पे ही होगा। हाँ की हो रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। ऑब्वियसली थैंक यू। अच्छा मतलब क्या बैंकिंग पैटर्न को मैच कर रहे कि नहीं? सेम लास्ट ईयर जैसा ही है, जैसा लास्ट ईयर जैसा पेपर आता था असिस्टेंट का, सेम वैसा ही है। अच्छा लेबल कैसा रहा पिछले ईयर कंपेरेटिवली? एक्चुअली सेम ही था, बिल्कुल सेम था पिछले ईयर की तरह। अच्छा। थोड़ा इंक्रीज करने का कोशिश किया। अच्छा। बट उतना हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट। सारे सेक्शन में वो कोशिश थी या फिर किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन में ऐसा था? इंग्लिश का और मैथ्स का बिल्कुल पैटर्न सेम था। अच्छा। और रीजनिंग का थोड़ा चेंज, थोड़ा सा आप करने को। हाँ रीजनिंग का। रीजनिंग का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा इस शिफ्ट में? सेम ही था लास्ट ईयर जैसा। अच्छा। हाँ सबसे इजी सेक्शन आपको कौन सा लगा तीनों सेक्शन में? इंग्लिश। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस टॉपिक से थे? हाँ सारा मतलब सॉल्व करने, जैसा SBI वगैरह में जैसा पूछता उतना टफ नहीं था, बिल्कुल ईजी था, मतलब सारा सॉल्व कर सकता है कोई। आपको कितना अटेम्प्ट हुआ? मेरा तो 90 अटेम्प्ट हुआ। 90। अच्छा ओके। एंड हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? एक्यूरेसी आई गेस 80 टू 90%। ग्रेट। आई विश की हो रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।